दिन कहीं भी गांव में, शहर में, कहीं भी अगर कोई व्यक्ति सामने आता है तो उसका सर्वेलेंस के माध्यम से उसको टेकअप किया जा सके। मास्क के अनिवार्य उपयोग और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए भी उन्होंने निर्देश दिया है। उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि कोविड और नॉन कोविड अस्पतालों में व्यवस्था को और दुरुस्त किया जाए। सीनियर ऑफिसर, सीनियर डॉक्टर्स और सीनियर जो स्टाफ है और वहाँ जो नर्सेज हैं, वो जरूर निरीक्षण करें, राउंड लें। ये इस पर उन्होंने विशेष बल दिया है। कोविड तथा नॉन कोविड अस्पतालों में, समस्त चिकित्सालयों में, मेडिकल कॉलेजेस में, चिकित्सा संस्थानों में ऑक्सीजन की आपूर्ति रहे, यह भी निर्देश दिया है। और प्रत्येक स्तर से अस्पताल में फायर सेफ्टी के प्रबंध को भी निरीक्षण करते हुए, मॉनिटरिंग करते हुए फायर के इक्विपमेंट को भी अप टू डेट करने का निर्देश उन्होंने दिया है। बाढ़ के बारे में सतर्कता पूरी है। राहत आयुक्त व राजस्व विभाग और राजस्व विभाग के अधीन सभी अधिकारी इसके लिए सतर्क हैं। पीएसी और पीएसी के अधिकारी सतर्क हैं। बाढ़ के को जो है, बाढ़ के क्रम में जिन जनपदों में जल जमाव की है समस्या, वहाँ बाढ़ राहत के लिए सिंचाई विभाग यानी जल संसाधन विभाग निरंतर प्रयासरत है। कहीं भी तटबंधों की सुरक्षा में कोई कमी ना हो और जहाँ भी पानी जल जमाव ज़्यादा है वहाँ पर यदि कहीं आवश्यकता है तो वहाँ लोगों को सामान्य रूप से राहत देने की भी बात की गई है। टिड्डी दल जो है, दो समूह, केवल छोटे समूह बचे हैं और ये कृषि विभाग ने बताया कि दो ही समूह जो है ईस्टर्न यूपी में अब देखे गए हैं, वो भी हवा के बहाव से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन उस पर भी विशेष नज़र और उस पर भी मॉनिटरिंग की जा रही है। टिड्डी दलों को मारने के लिए केंद्रीय टीम भी लगी है। टिड्डी दलों को मारने के लिए